बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फलस्तीन का मौजूदा तनाज़ा जो है, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, उस पर अब तक रोजाना की बुनियाद पे जिम्मेदारी के साथ आपको तमाम मालूमात मैंने आपके सामने रखी हैं और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि तमाम तकाजे पूरे किए जाएं ताकि सच आप तक पहुंचे। आपको याद होगा मैंने इस हवाले से अपने पहले ही वीलॉग में कहा था कि इस कार्रवाई में अकेला हमास तो मुलव्वस हो नहीं सकता, और बिल्कुल अब वैसा ही है। अब इस तनाजे का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा मशरिक वुस्ता ने उसकी इब्तिदा कर दी है। ये पार्ट 2 इतना खतरनाक हो सकता है कि आप यूक्रेन और गाजा को भूल जाएंगे। एक ही वक्त में अमरीका और इसराइल के खिलाफ इतने महाज खुल चुके हैं कि किसी की भी समझ से बाहर है कि वो इतने चैलेंजेस से एक साथ निकलेंगे कैसे बाहर। हमास, हिजबुल्ला, हुती, अंसारुल्ला, ईरानी इनकलाबी गार्ड्स, रशियन इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ, बरतानिया और अमरीका के इंतखाबात में मुमकिन है रूसी मुदाखलत, चाइना के जंगी तैयारों का ताइवान के अंदर घुस जाना, चाइना के दुनिया के कमोबेश 150 ममालिक के साथ तजारती मुआहदे, रूस की मशरिक वुस्ता के वसाइल पर नज़र जिससे अमरीका एक अरसे से मुस्तफीद हो रहा है, ये वो तमाम महाज हैं जो इस वक्त अमरीका के खिलाफ खुल चुके हैं। और वो अरब ममालिक जो अमरीका के गुण गाते थे और कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, रूसी सदर के एक दौरे ने ऐसा जंतर मंतर किया कि अरब ममालिक अमली तौर पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान अभी भी मुतमईन नहीं है और ईरान ने रशिया से मुतालबा किया है कि मजीद आगे बढ़ा जाए और कार्रवाइयों का दायरा अख्तियार वसी किया जाए। तो ईरान ने फलस्तीन के हवाले से भी रशिया से एक बड़ा मुतालबा कर दिया। ईरान और फलस्तीन के तनाज़े से ढाई अहम खबरों के साथ आपको नए आलमी मनसूबे के बारे में बताऊँगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको खुद मिल सके। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गाजा में जंगबंदी के हवाले से हमारा मौकफ मुस्तकिल और बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़ाई को फौरी तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है, जबकि इसराइल फलस्तीन तनाज़े की ख़त्म ना होने की एक अहम वजह बैनुल अक़वामी बरादरी की बुनियादी तरजीह का ना हो। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात से पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका भी हमारी शराकत दारी या इस मसले के लिए मजीद काम करेगा, क्योंकि हमें यकीन है कि मजीद कुछ कर सकते हैं। गाजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफा करने की जरूरत है और यह नाकाबिले कबूल है कि इमदाद को ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों की वजह से महदूद कर दिया गया। तो अमरीका ने एक बार फिर अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गाजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद में 15-13 अराकीन ने हिमायत में वोट दिया है, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यह करारदाद उन द्वारा ममालिक की तरफ से तैयार की गई जो 7 अक्टूबर के वाक़े से पहले इसराइल को तस्लीम करने वाले थे। तमाम काम मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ ऐलान बाकी था और वही दो मुल्क अब फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। और ये तमाम मामला रशियन प्रेसिडेंट के दौरे UAE और सऊदी अरेबिया के फौरी बाद वकूफ पजीर हुए। तो अगर तो वोटिंग की बात की जाए तो अमेरिका को इसमें बुरी तरह शिकस्त हुई है और 15-13 वोट करारदाद के हक में आए। बरतानिया गैर हाजिर रहा, 15 नंबर पे खुद अमेरिका था जिसने करारदाद वीटो कर दी। तो अमेरिका ने अपना अख्तियार या ताकत तो वीटो की शक्ल में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये अमरीकी सफारतकारी की एक बड़ी नाकामी है जिससे अमरीका मुखालिफ ममालिक के हौसले मजीद बुलंद हो गए और ये सूरत हाल बढ़ते बढ़ते अमरीका पे पाबंदियों की शक्ल में सामने आएगी। अमरीका पाबंदियों की बात आज तो आपको शायद हैरानी लगे और दीवाने का ख्वाब लगे, लेकिन इस मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है। रशिया और ईरान हर सूरत अमरीका पे पाबंदियां आयद करना चाहते हैं, जैसे अमरीका ने माजी में ईरान और रशिया के साथ किया था। तमाम मामले में रशिया, चाइना, ईरान की मदद करेगा, क्योंकि चाइना तजारत के जरिए पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले जी चुका है। अमरीका इस वक्त दुनिया में कदर तन्हाई का शिकार है, उसके पास अपने मुखालिफ ममालिक के साथ बैठने, मुज़ाकरात करने या मामले को मजीद आगे बढ़ाने से बचाने के लिए दुनिया में कोई सालिस मौजूद नहीं। मुखालफीन का जोर दिन ब दिन इतना बढ़ रहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने के मूड में ही नजर नहीं आते। तो अगर बात करें फौजी ताकत की तो ये एक हकीकत है कि इसमें अमरीका अपनी मिसाल आप है। अमरीका ने दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी अड्डे कायम किए। अमरीकी की फिजाई फौज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवरीन फौज है। अमरीका ने दुनिया के अंदर एक बड़ा मुआशी निज़ाम कायम किया। दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन तमाम बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज अमरीका की ही मिल्कियत है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका का पलड़ा कमजोर क्यों हो रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जमीनी फौज की अगर बात की जाए तो रशिया और ईरान की फौज जो है वो अपनी मिसाल आप है। ये पिछले एक लंबे अरसे से दुनिया के बड़े बड़े
फौजी इतिहाद के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बने हुए हैं। इसके अलावा रशिया और ईरान हस्ते के मामले में सिर्फ एक दूसरे पर इंहसार करते हैं, दुनिया के किसी और मुल्क पर नहीं। अगर चाइना, रशिया और ईरान की फौजी ताकत को जमा किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी इतिहाद बनता है, जिनके सामने नेटो जैसे बड़े इत्तेहाद की कोई हैसियत नहीं है। इन तीनों ममालिक में ईरान एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जो किसी भी वक्त मजहबी नजरिए की बुनियाद बनाकर कई मिलियन जिहादी तैयार कर लेता है और कर सकता है। और ये बात सिर्फ ईरान के अंदरूनी तौर पे है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईरान की बनाई हुई मिलिशियाज जो है उनकी तादाद और ताकत इसके अलावा है। तो ईरान ने मजहबी हवाले से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि उसकी तमाम नौजवान आबादी उसकी फौज है। ईरान मशरक़ वस्ता में हर सूरत अपना असर रसूख कायम करना चाहता है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसी तरह की ख्वाहिशात का इजहार ईरानी सदर इब्राहिम ने रूसी सदर के साथ अपनी हालिया मुलाकात में किया। तो ईरानी प्रेसिडेंट का कहना था कि इसराइल के खिलाफ मौजूदा कार्रवाइयाँ नाकाफी हैं और ईरान इनसे मुतमईन नहीं है। उन्होंने रशिया से मुतालबा किया कि सबसे पहले गाजा पे बमबारी रुकवाई जाए, फिर उसके बाद एक आज़ाद और मजबूत फलस्तीनी रियासत की बुनियाद रखी जाए। एक बात तो तय है कि रशिया, चाइना और ईरान को मशरक़ वस्ता में अपने मफादात हासिल करने के लिए हर सूरत हमास के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद करना होगा, वरना जो अरब ममालिक अमरीका को छोड़कर रशियन ब्लॉक में आ रहे हैं उनके लिए खुद रशिया और ईरान के लिए खत्ते में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तब दूसरी तरफ यह है कि तमाम ममालिक मिलकर अमरीका को तनाजात में इस कदर उलझाना चाहते हैं कि उसको अपनी बिगड़ती हुई मईशत ही संभालने का वक्त न मिले। तो चाइना की फिजाइया ने ताइवान की सरहदी खिलाफ वर्जी कर ली है। ताइवान के मुताबिक चाइना का एक जासूस गुब्बारा और 12 जंगी तैयारे ताइवान की हदूद में दाखिल हुए और देर तक प्रवास करते रहे। यूक्रेन और ताइवान के मसाइल अमरीका ने गाजा के मौजूद तनाजे से पहले अपने लिए खुद पैदा किए थे। तब अमेरिका समझता था शायद वो इन तनाजात के जरिए रशिया और चाइना को जेर करेगा, लेकिन अमेरिका के सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये तनाजात अमेरिका के गले पड़ गए और जो यूक्रेन के सदर हैं वो गायब गए अमेरिका और नेटो को अब हसब तौफीक बद्दुआएं देने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। इसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की इसी सुनत पर करीब ताइवान और इसराइल की क्यादत भी अमल करती है आपको नजर आएगी, क्योंकि अमरीका को 50 बद्दुआएं सुबह और शाम ये देंगे, क्योंकि अमरीका इनकी मदद करते करते भी थक चुका और कंगाल भी होने वाला है। तो पहले दिन अमेरिका ताइवान की खुद मुख्तारी के ख्वाब देख रहा था, साथ ही यूक्रेन पे अस्त्र और पैसा खर्च करना पड़ गया। फिर उसने अभी अपना पसीना भी नहीं पहुंचा था कि फलस्तीन के अस्करी ग्रुप ने 7 अक्टूबर वाला कट्टा खोल दिया। अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि वो बस एक और महीना इसराइल की मदद कर सकता है। इसके बाद जैसे पंजाबी में कहते पंगा कितना ही थे दौड़ अपनी अपनी, वो एक और जोक था ना कि जो उड़ना नहीं आता तो पंगा क्यों लेता सी। तो अमेरिका को मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी अड्डों की सलामती और सिक्योरिटी के भी लाले पड़े हुए हैं, जहाँ ईरान हर रोज कोई ना कोई शरारत करता है। इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान शायद इसराइल का हो, क्योंकि फलस्तीन, लेबनान और यमन की अस्करी तंजीमें इसराइल के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात पे आमादा नहीं हो रही। इसराइली मुजालिम ने मुस्लिम दुनिया के साथ साथ गैर मुस्लिम ममालिक को भी इसराइल का मुखालिफ बना दिया और फलस्तीन की अस्करी तंजीम ने हलाकतों का सिलसिला इसराइल के बड़े घरों में भी पहुंचाया। तो इसराइली आर्मी चीफ का बेटा, वजीरों के भतीजे, बेटे वजीर आजम का भतीजा फलस्तीन की अस्करी तंजीम की तिका पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, यानी मारे जा चुके हैं, हराम मौत मरे हैं। दूसरी तरफ लाख सफाई कोशिश के बावजूद इसराइल की किसी बात को मानने को तैयार नहीं नजर आ रही और मुसलसल सरहदी इलाकों पर बमबारी कर रही है। उती बागियों कहते हैं इन दोनों इसराइल का कोई जहाज तो नहीं चढ़ा, लेकिन उन्होंने फारिग रहने से बेहतर समझा कि इसराइल पे एक मिसाइल हिट होते हैं। तो पार्ट टू के लिए तो आज इतना ही है, लेकिन ये सीरीज पहले पार्ट से भी ज्यादा अहम होने वाली है और मैं आपको इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देता रहूंगा। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।